Hello students, I'm here with you people in the second lecture of matrices. First lecture mein, I have given you introduction of the matrices. Now in this lecture, I will be discussing algebra of matrices. Algebra of matrices means is pe hum kaise kaise operations follow kar sakte hain, kya kya operation follow kar sakte hain, all about these things, right? Chali start karte hain about this topic. Firstly, as I said, algebra of matrices mein, firstly, we need to know this terminology, equivalent matrices. Equivalent matrices. Two matrices are said to be equal if they have same order. Simple. Matrices having same order are called as equivalent matrices. Now, concept says that कि अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, लॉजिकली आप जरा इसको ऑब्जर्व करके देखिए. सपोज इफ आई गिव यू दिस मैट्रिक्स 2, 3, 4, 5 एंड आई से दैट 4, 8 लेट्स से 4, 1, 8, 3, 7, 9 आपने इनकी एडिशन करनी है, तो आप एडिशन क्या करेंगे? बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न हो गया, कैसे एडिशन होगी? बट अगर मैं यहां पे 2, 3, 4, 5 दे देता हूं, बट यहां पे मैं चेंज करके 4, 1, 3, 7 ही रखता हूं, तो कोई यहां पे अपना एक जनरल लॉजिक सेंस को यूज कर सकता है या थोड़ी सी अपना कि हाँ इंट्यूशन बोला पॉइंट. क्या सिंपल है? कॉरस्पॉन्डिंग में 2 + 4, 6 3 + 1, 4 4 + 3, 7 5 + 7, 12. यहां पे वो जनरल सेंस नहीं लग पा रही थी. क्यों नहीं लग पा रही थी? क्योंकि यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे तो कुछ है ही नहीं. सो यही कंसेप्ट भी है. बड़े सिंपल से टर्मिनोलॉजी है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी फिजिबल है व्हेन दे आर इक्विवेलेंट. मींस व्हाट? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. तो बस आपको ये क्रॉस चेक करना है. क्या क्रॉस चेक करना है? कि अगर कोई मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, पहले ये चेक कर लो कि इनका ऑर्डर सेम है. अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन कैसे करनी है? कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग. सब्ट्रैक्शन भी कैसे करनी है? कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग. और इस एग्जाम्पल में हमने किया भी है, राइट? मेरे पास ये दो मैट्रिसेस गिवन थे, मुझे कहा गया एडिशन फाइंड आउट करो, क्योंकि ऑर्डर सेम था, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग एड कर दिया. वॉट इज इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन 2, 3, 4, 5 बट इन स्पाइट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वुड हैव बीन गिवन. स्टिल ऑर्डर सेम ना, तो फिजिबल तो है. इफ इट इज फिजिबल तो कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग अगेन 2 - 4 - 2 3 - 1 - 2 4 - 3 - 1 5 - 7 - 2 सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. आई होप मेरी बात समझ में आ गई. बात बड़ी सिंपल सी है. एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर में पॉसिबल है, और करनी कैसे है? कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, अब आगे चलते हैं. नियम में क्या कहा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन. क्या कंडीशन? मैट्रिसेस शुड बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डिड बाय द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? इसको समझने के लिए आप सिंपल सोचिए. लेट्स से मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3, 7, 1, 2 एंड आई एम रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट ऑफ 2A. 2A का रिजल्ट मुझे चाहिए. इन द केस ऑफ व्हेन वी डीलिंग इन मैट्रिसेस, तो कोई कांस्टेंट मेरे लिए स्केलर का रोल प्ले करता है. यानी कि जब मैं यहां पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब यह है, स्केलर का मतलब कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स से. अब एज यू नो कॉन्स्टेंट वुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो सपोज मैंने यहां पे 2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ले लिया और उसके बारे में कहा कि 2A फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे है? वो बड़ा सिंपल से कंसेप्ट है. इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ दैट? एवरी एलिमेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम कॉन्स्टेंट. एवरी एलिमेंट. इट मीन्स व्हाट? 3 to the 6, 2 to the 7, 14 2 to the 2, 2 to the 4. तो ये आ गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का रिजल्ट, राइट? ये एग्जाम्पल था. कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है. क्या कंसेप्ट था?
सिंपल सा कंसेप्ट था, व्हेन अवर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद द सेम कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव द कांस्टेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, अब इसको एक कंसेप्ट को ये समझने की कोशिश करते हैं. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, डू यू हैव अ टर्मिनोलॉजी लाइक दिस, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? यस वी डू हैव. सपोज अगेन ए इज 3, 2, 4, 7. इफ समवन आस्क मी अबाउट माइनस ऑफ ए, व्हाट डू मीन बाय दिस? माइनस ऑफ ए कैन बी अंडरस्टूड एज माइनस वन इंटू ए. माइनस वन इंटू ए का अब कैसे कंक्लूजन करना है? वही स्केलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम कांस्टेंट. सो इट मींस व्हाट? इट वुड बी व्हाट? माइनस वन इंटू 3, 2, 4, 7. सो द रिजल्ट वुड बी व्हाट? देयरफॉर माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 3, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 7. सो दिस इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? सो क्या क्या डिस्कस किया हमने? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फिजिबल है, सेम ऑर्डर पे फिजिबल है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन कोई कंडीशन नहीं, बस सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम कांस्टेंट. लास्टली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मींस व्हाट? माइनस वन से मल्टीप्लाई करना. अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, देन वी हैव कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को एक बार समझ लेते हैं. यही एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेसिकली एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉमुटेटिव लॉ. मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉमुटेटिव लॉ. कॉमुटेटिव लॉ से क्या मतलब है? आप लोगों ने प्लस वन में पढ़ा हुआ है. तो यहां पे इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि अगर मुझे दो मैट्रिसेस गिवन है, उनमें एडिशन के बारे में बात की जा रही है, तो दे फॉलो कॉमुटेटिव लॉ मींस ए प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट? बी प्लस ए. अब सिंपल है ये बात, तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, चलिए लेट्स से ए 4, 3, 7, 2, बी है 1, 2, 4, 1. अपने आप लॉजिकली सोच के देखो, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी? कितना आएगा? 4 प्लस 1 5 3 प्लस 2 5 7 प्लस 4 11 2 प्लस 1 3. व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ बी प्लस ए? सेम आना, 1 प्लस 4 5 2 प्लस 3 5 11 एंड 3. अब आप क्लियर बात समझ चुके हैं कि यार एडिशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, राइट? तो दैट्स व्हाई वी से मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉमुटेटिव लॉ. ओके, आफ्टर कॉमुटेटिव लॉ इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो. नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? सिंपल मीनिंग ये है कि अगर मुझे तीन मैट्रिसेस को, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेट्स से तीन के लिए बात करते हैं, कि तीन मैट्रिसेस की एडिशन करनी है, देन इट डस नॉट मैटर कि आप पहले कौन से दो मैट्रिसेस की एडिशन कर रहे हो. आप पहले b प्लस सी कर रहे हो, फिर उसमें a ऐड कर रहे हो, या a प्लस बी में आप c ऐड कर रहे हो, रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम. सो दैट इज मीन बाय एसोसिएटिव लॉ. देन वी हैव additive identity. What in by this additive identity? Means in the case of a matrix, there exists such type of matrices, such type of matrix, which when added to a given matrix give result as same as A. So A की matrix में additive identity कौन play करेगा? Right? That is a null matrix. You know about this. What is null matrix? जिसके सारे elements क्या होते हैं? 0, 0, 0. सपोज ए है 2, 3, 4, 5, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर सेम रहे, तो इट इज व्हाट? नल मैट्रिक्स. तो दैट्स माय मैट्रिक्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो की जाती है. लास्टली मैट्रिक्स के एडिशन के केस में एडिटिव इनवर्स भी फॉलो किया जाता है. एडिटिव इनवर्स. Now, what did my additive inverse? A में क्या ऐड करो कि आंसर नल मैट्रिक्स है? A में क्या ऐड करो कि आंसर नल मैट्रिक्स है? वो कौन सा होगा? वो माइनस ए होगा. क्यों? A में अगर मैं माइनस ए करूंगा तो
null matrix आएगा. So that's why in the case of matrix, addition, additive, inverse does exist. Right? These were the few basic properties. Right? आगे follow करते हैं इसमें. अगेन कुछ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज जरा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. सपोज कुछ ऐसे ऑपरेशन हो के टाइम्स ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस की एडिशन हो रही है, फिर उसको आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है. तो आप सोचिए कि नॉर्मल नंबर के केस में क्या करते थे, आप ऐसे फॉलो कर सकते ना ब्रैकेट ओपन के ए प्लस के बी, वही यहां पर भी फॉलो कर सकते हो. मैट्रिक्स के एडिशन में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है. राइट? सिमिलरली एक और बेसिक सी बात है यहाँ पे k प्लस एल इंटू ए, अगर दो कांस्टेंट आपस में ऐड हो रहे हो फिर उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें भी वही जो जनरल सेंस है हमारे जो हम जनरल फॉलो करते हैं उसको फॉलो किया जा सकता है. इट मीन्स वॉट के ए प्लस एल ऑफ ए. राइट? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट, बेसिक से कंसेप्ट है, ऐसा कुछ लर्न नहीं करना, बस एक बार दिमाग में डालना है कि ऐसे हो सकता है. राइट? ओके, दैट वॉज अबाउट addition and subtraction of a matrix. Now, चलिए basic examples के थ्रू इसको handling करके बताता हूं. Sometime in questions, example, suppose आपके पास ऐसे given होगा 2, 3, 4, 5. This is your A, B is 5 minus 2 minus 7 and 4. आपसे ये कह दिया जाएगा calculate थ्री ए माइनस फोर बी. राइट? तो सिंपल सी बात है, सोचिए 3a का मतलब क्या होगा, क्या हमने डिस्कस किया था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम कॉन्स्टेंट. तो 3 वुड बी मल्टीप्लाइड विद ईच एलिमेंट 6, 9, 12, 15 माइनस 4 टाइम्स ऑफ b. तो व्हाट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ b? 20 माइनस 8 माइनस 28 16. So, net result, 3a minus 4b. अब आपको पता है कि subtraction कैसे follow करते हैं. 6 minus 20 minus 14, 9 plus 8, 17, 12 plus 28, 40, 15 minus 16, minus 1, यह आगे answer. I hope आप इस example को समझ पाए, बड़े basic सा और simple सा example था. Right? Okay, अब आगे चलते हैं. ये था जो मैंने डिस्कस किया अबाउट एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और एडिशन से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बनता है. कैसे? अगर मैं यहां पे, ये भी यहां पे वही मतलब था, सब्ट्रैक्शन भी तो हमने फॉलो की है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहां पे हमारे कवर होते हैं. अब इसके आगे जो डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. हमारा फोकस अब हमें उस पर डालना है अबाउट मल्टीप्लीकेशन. When we talk about multiplication of matrices, it doesn't follow this simple concept as we followed in addition. यहाँ पे concept थोड़ा अलग है, उसको आपने बहुत clearly समझना है इस point को. Suppose I have a matrix A, I have a matrix B. Let's suppose first matrix का order है m cross n. B matrix that is the second matrix, उसका order है n cross k. Now, first thing, क्या इनका प्रोडक्ट फिजिबल है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी? मैट्रिसेस शुड हैव द सेम ऑर्डर, बट मल्टीप्लीकेशन के केस में ये कंडीशन नहीं है कि मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर ओनली देन दे कैन बी मल्टीप्लाइड. नो, दिस इज नॉट द कंडीशन. तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दिस. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट सपोज दिस इज योर आर वन, this is a C1, row first matrix, column of first matrix. Similarly, it is row second matrix and it is column of second matrix, that is C2. Now, you need to understand the condition. Condition of multiplication of matrices is that C
C1 should be equal to R2. फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल होना चाहिए. अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है, ओनली देन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. नेक्स्ट थिंग, एक और चीज को आपको समझना है कि सपोज इनकी मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है, फाइन इनफ, इनकी मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी एक मैट्रिक्स बनेगा. सपोज उस मैट्रिक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? वो ए का ऑर्डर फॉलो करेगा या बी का? एक्चुअली एडिशन जैसे था वैसा सिंपल नहीं है. क्यों? एडिशन में तब फिजिबल था जब ऑर्डर सेम हो, तो रिजल्ट का भी सेम ही ऑर्डर आता था. यहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होने की तो कोई बात ही नहीं गई, तो यानी कि सी का ऑर्डर ये तो नहीं कह सकते कि ए का ऑर्डर होगा या बी का ऑर्डर होगा. उसका ऑर्डर क्या होगा? उसके लिए एक्चुअली द थिंग इज, जो सी का ऑर्डर होगा वो होगा R1 into C2. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस थिंग्स. दिस इज योर रिजल्ट, जो कि आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में ये रिजल्ट बन के आएगा और मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ये कंडीशन है. नाउ ये तो मैंने बुकिश टर्मिनोलॉजी में लिखा, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे लर्न करना हो तो बात सिंपल सी, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिसेस के केस में मल्टीप्लिकेशन तब फिजिबल है, कब फिजिबल है? व्हेन मिडल वैल्यूज आर इक्वल. आप ऐसे सोचिए, दो मैट्रिसेस लिखिए, आपको जज करना है कि मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है कि नहीं है. यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर अगर आप समझिए कि देर आर फोर टर्म्स, ये हुई कॉर्नर टर्म्स, ये कौन सी हुई? मिडल टर्म. अगर ये मिडल टर्म्स इक्वल है, यानी कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है, तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है. तभी आप चेक करिए, मैंने एनएन ही लिखा है, यानी कि क्या कंडीशन हुई? मिडल वैल्यूज शुड बी इक्वल, मिडल वैल्यूज शुड बी इक्वल. सो मिडल टर्म्स शुड बी इक्वल. If middle terms are equal, then multiplication is feasible. Result में मैंने क्या लिखा था? R1 into C2. इस result को learning approach में भी हम ऐसे डाल सकते हैं, first into last. So बस ये आपको दो चीजें दिमाग में डालनी है. Matrix की multiplication feasible कब है? जब middle value equal हो, यानी कि first का column second की row के equal हो, और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट मैट्रिक्स डेवलप होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट इनटू लास्ट, एम क्रॉस के. यानी कि इस केस में अगर मुझे रिजल्ट एम एन के की टर्म में लिखना हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस के, फर्स्ट इनटू लास्ट, राइट? बट स्टिल अगर आप सोचिए कि क्या मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियरली पूरा बता दिया? नहीं बताया, ये तो मैंने सिर्फ कंडीशन बताई हैं कि ये होगा तो मल्टीप्लीकेशन फिजिबल होगी, और अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा. बट स्टिल मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब जरा उसको कंसेप्ट को समझ लें. चलिए, ओके, एग्जांपल वन. एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2, 3, 4, 1. आई एम टेकिंग नेदर मैट्रिक्स 4-2. ओके, पहले इन जरा इसको चेक करिए, इज इट फिजिबल कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकूं? इनका ऑर्डर चेक करिए, 2 रोज 2 कॉलम 2x2, 2 रोज 1 कॉलम 2x1, राइट? अब इज इट फिजिबल? क्या मैथड था? मिडल वैल्यू शुड बी इक्वल. यस, दे आर इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इज फिजिबल. अब फिजिबल है तो ऑर्डर क्या होगा? पहले वो चेक करिए. कैसे चेक करना था? फर्स्ट इनटू लास्ट, 2x1, 2 रोज ओनली 1 कॉलम. इट मींस प्रेजेंटेशन वुड हैव बीन लाइक दिस, 2 रोज 1 कॉलम, राइट? पहले तो कंडीशन चेक की और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, वो क्या बन के आएगा. अब उनमें वैल्यू क्या लिखनी है, अब उसको समझने के लिए इसको स्टिकेस सोचेंगे आप लोग. व्हेनेवर मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, दे ऑलवेज फॉलो अ सिस्टम, दैट इज रो इंटू कॉलम. मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड इन ओनली इन दिस मैनर, रो इंटू कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स में देर आर 2 रोज, सेकेंड मैट्रिक्स में
एक ही कॉलम है। कंसेप्ट ये कहता है ईच रो वुड बी मल्टीप्लाइड विद ईच कॉलम, ईच रो वुड बी मल्टीप्लाइड विद ईच कॉलम। व्हेन आई मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम इट वुड बी रिटर्न इन फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि यहां पे। फर्दर मैंने ये भी कहा था ईच रो विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच कॉलम, फर्स्ट रो इस कॉलम से होगी और कोई कॉलम तो है नहीं, अब सेकंड रो की टर्न आएगी, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो लिखेंगे कहां पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया ना, तो लिखना भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहां पर। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, उसमें भी कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। टू फोर द एट, तीन टू माइनस टू इज माइनस सिक्स, ये जो भी रिजल्ट आता है उनको आपस में ऐड करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, सेम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फोर, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, फोर से, फोर फोर द सिक्सटीन। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया ना, अब फर्स्ट सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट से, वन इंटू माइनस टू कितना आएगा, माइनस टू। एज आई सेड जो भी रिजल्ट आएगा वो आपस में एड हो जाएगा, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी टू एंड फोर्टीन। सो दिस इज the result of the product of these two matrices. Let's have more examples. Aur samajhne ke liye, let's suppose this time 2, let's say 8, 4, 3, 2, 7, gin leta hu main, next matrix ko follow karta hu, 1, 2, 3, 3, 4, 5, like this. Again, पहले क्रॉस चेकिंग whether the product is feasible or not. Two rows, three column, two cross three. Three rows, two column, three cross three. Right? Now check whether the product is feasible or not. Middle values have to be equal. Yes, middle values are equal. Product is feasible. If product is feasible, तो final का order क्या आएगा? वो cross check करो. कैसे check करोगे? Two cross two. 2 cross 2 means what? 2 rows, 2 columns, like this, right? अब multiplication करते हैं, क्या रूल समझाया था? Row into column, each row would be multiplied with each column, first row पहले first column से multiply होगी, फिर first row second column से भी होगी, पिछले में क्यों नहीं हुई? क्योंकि पिछले में और कोई column ही नहीं था, right? Each row would be multiplied with each column. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कहां पे, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि यहां पे। कैसे करना है, फर्स्ट विद द फर्स्ट, टू वन जब टू, सेकेंड विद द सेकेंड, सेकेंड विद द सेकेंड, एट टू द सिक्सटीन, प्लस थर्ड विद थर्ड, फोर थ्री जब ट्वेल्व, होगी मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब फर्स्ट रो बाकी कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, बाकी कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे कहां लिखेंगे, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, अगेन रूल वही है, फर्स्ट विद द फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट सिक्स, सेकंड सेकंड थर्टी टू, थर्ड थर्ड ट्वेंटी, ये हो गया। नाउ फर्स्ट रो को इंडिविजुअली हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करेंगे, सेकंड रो की टर्न आएगी, वो भी एक एक करके हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। चलिए शुरू करते हैं, सेकंड रो ये रही, पहले फर्स्ट से किया, फर्स्ट विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड, थर्ड विद द थर्ड, फर्स्ट विद द फर्स्ट थ्री फोर ट्वेंटी वन, राइट, थ्री फोर ट्वेंटी वन, सेम है ना। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, नाउ सेकेंड रो वुड बी मल्टीप्लाइड विद सेकेंड कॉलम विद द सेम कंसेप्ट, फर्स्ट विद द फर्स्ट नाइन एट थर्टी फाइव, नाइन एट थर्टी फाइव। नाउ
Let's see the result. It has 18, 18 plus 12, 30, 38 plus 20, 58, 7 plus 21, 28, 17 plus 35, 52. So this is the result of product of these two matrices. Still, I don't think it is sufficient. All examples are there. The thing is, ये मल्टीप्लीकेशन का जो सिस्टम है आपकी प्रैक्टिस से ही आपको दिमाग में बैठेगा. आप जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के फॉलो करोगे उतना ही ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इतना सोचना नहीं पड़ेगा. फिर उस टाइम पे आप फटाफट फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे. और थोड़ा चेक करके देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में. 3, 7, 1, 1, 3, 2 ऑर्डर. वन रो थ्री कॉलम. नेक्स्ट ऑर्डर थ्री रोज वन कॉलम. मिडल वैल्यूज आर इक्वल. यस, मल्टीप्लीकेशन इज फिजिबल. फाइनल ऑर्डर वुड बी व्हाट? फर्स्ट इनटू लास्ट. प्लीज ऑब्जर्व दिस. फर्स्ट इनटू लास्ट यानी कि वन क्रॉस वन, वन रो एंड वन कॉलम. राइट, सो अब बस यहीं पर मुझे सारे लिख देने. कैसे करना है? रूल भूलना नहीं है, रूल अब बदलेगा नहीं. रो विद द कॉलम, रो विद द कॉलम, अगेन फर्स्ट विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड, थर्ड विद द थर्ड. फर्स्ट फर्स्ट से कितना आएगा? 3. सेकंड सेकंड से 21. थर्ड थर्ड से 2. सो नाउ यू कैन चेक योर आंसर, इट इज 26. सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. राइट, let's have few more examples, but not in terms of direct multiplication. मैं कुछ और बता रहा हूं, please listen it carefully. Let's suppose A matrix of 2 cross 3. B is again a matrix of 2 cross 3. Is multiplication feasible? Middle values are not same, so multiplication is not feasible. यानी कि प्रोडक्ट वुडंट बी फिजिबल. बट प्लीज सी टू दिस, इफ आई इंटरचेंज दिस बी ए मैट्रिक्स, सपोज मैंने सेम रखे बट बी पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया, इज प्रोडक्ट इज फिजिबल? यस, मिडल वैल्यू आर सेम. तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स? First into last, 2 cross 2. Now, please see to this. In this particular example, whether multiplication follows commutative law, you can see it is not so. Why it is so? Because in this particular example, AB was not defined, but BA was defined. So, ho sakta hai ki this is a particular example. Let's suppose, agar aap isko aise soch ke dekhiye. Let's we have take another example from this matrix, from the third example. Let's say consider this is C matrix, this was D matrix, C into D was feasible and its order was 1 cross 1, the resultant was this. Let's suppose in this time I do calculate D into C, D order is 3 cross 1, C order is 1 cross 3. I'm going for multiplication. Product is feasible. Middle values are same. 1 into 1. The resultant would be what? As you can see, first into last. 3 cross 3. Like this. There would be 3 rows and 3 columns. Now I need to write D into C. Better it is if I write down D over here. D is 1, 3, 2. C was 371. 371. I'm going to multiply over here. As I said, multiplication follows row into column method. And we have already observed the matrix formed would be like this. 3 cross 3. Let's suppose go with the matrix first. First row with the first column. 1 with 3
is equals to 3. First row, first column, done. First row में और कोई element नहीं है, right? Column में भी कोई element नहीं है. अब क्या होगा? First row remaining column से multiply होगा. First row with the second column. Second column में एक ही element है. First row में भी तो एक ही element है, ठीक है? First with the first, 1 into 7, 7. First row with the third column, 1 into 1, 1. So first row has been multiplied with each column. Now comes the turn of second row. This is the second row, only one element. Now second row with the first column. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3. Now third row would be multiplied with each column. 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 1s are 2. ऑब्जर्वेशन ये करना है आप लोगों को. प्लीज एक मिनट चेक करिए, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया. ए बी वॉज नॉट फिजिबल, बी ए वॉज फिजिबल. सो वी कंक्लूडेड कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. फिर मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया कि सी डी इज फिजिबल एंड डी सी इज ऑल्सो फिजिबल, बट यू कैन सी सी डी का रिजल्ट और डी सी के रिजल्ट में बहुत डिफरेंसेज है, ऑलरेडी डिफरेंट हो गए. सो इट मीन्स वॉट? Generally, matrix multiplication does not follow commutative law. Generally, matrix multiplication does not follow commutative law. As you can see, यहाँ पे तो AB defined ही नहीं था, BA defined था, तो equality की तो बात ही नहीं रही. इस particular examples में defined होने के बावजूद भी इनके result same नहीं है. So that is why we can say so. In the case of matrix multiplication, generally does not follow commutative law. It generally doesn't follow commutative law, right? So that's it for this lecture. Again, you need to practice as I said earlier. So please keep on practicing. Now you need to practice for such type questions. I hope you can understand that addition and subtraction is not so problematic portion. It is again, the multiplication is again not the problematic point, but the thing is it need to be practiced so that you can go with the multiplication fastly, right? Chaliye, meanwhile, keep on practicing, right? Okay, bye-bye.